तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जंगल कार्टून स्टोरी सर्च कर रखा है। यहाँ पे देखिए काफी सारे जंगल के आपको कार्टून वाले वीडियो मिल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स 17 लाख व्यूज हैं यहाँ पे 3 महीने के अंदर। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिखेंगे 31 लाख व्यूज 3 वीक के अंदर। और फ्रेंड्स ऐसे करके आपको काफी सारे कार्टून जंगल वीडियो पे या कार्टून का कोई भी वीडियो है तो काफी सारे यहाँ पे व्यूज मिल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये वीडियो जब आप बनाते हैं तो फ्रेंड्स ये प्रोफेशनल कार्टून वीडियो हैं। यहाँ पे छोटी छोटी गलती हम एडिट करते समय वीडियो और फ्रेंड्स बना देते हैं और उन गलतियों को हम यहाँ नहीं देखते हैं। लेकिन उन 5 गलतियों को मैं बताने वाला हूं जो आप अपने वीडियो में करते हैं एडिट करते समय कार्टून वीडियो को। तो चाहे आपका कार्टून वीडियो हो, जंगल वीडियो हो, जंगल कार्टून कहानी हो या फ्रेंड्स कोई भी आपकी कहानी हो, आपको यहाँ पे ये 5 बातें हमेशा ही ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो चलिए वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। वीडियो अभी लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने काइन मास्टर को ओपन किया है। सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट लेना है और आप लेते भी न्यू प्रोजेक्ट होंगे हमेशा ही। तो न्यू प्रोजेक्ट पे एक बार क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे साइज आ जाएगा 16.9, क्योंकि यूट्यूब का जो वीडियो होता है उसका साइज 16.9 होता है। तो यहाँ पे हमेशा ही 16.9 रखना है और क्रिएट कर देना है। और फ्रेंड्स क्रिएट करने के बाद आपने कोई भी कहानी बना रखी है यानी कि लिख रखी है, उसके हिसाब से आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें अपनी कहानी, जैसी भी हमारी कहानी है उस हिसाब से हमें यहाँ पे बैकग्राउंड लेना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। तो मैं एक बैकग्राउंड को यहाँ पे ले आता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए 2 बैकग्राउंड यहाँ पे आ गए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये 2 बैकग्राउंड क्यों लिए हैं मैं बताऊंगा अभी। तो जब भी आप बैकग्राउंड लें इसे बड़ा कर लें। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इतना बड़ा कर लिया। यहाँ पे हमारा जो कहानी का स्टार्टिंग है यानी कि एक कहानी का एक पार्ट यहाँ पे हम 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट, 1.5 मिनट का बना सकते हैं इस बैकग्राउंड पे। तो इस वाले बैकग्राउंड पे एक बार क्लिक करना है और फ्रेंड्स इसे पेनजूम कर लेना है। देखिए ये पेनजूम, इसे यहाँ पे करके इसे इतना बड़ा कर लेना है देखिए, और यहाँ पे छोड़ देना है। अब देखिए मैंने दूसरा बैकग्राउंड भी यहाँ पे लिया है। तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, 2 बैकग्राउंड मैंने इसीलिए लिए हैं ताकि मैं आपको बता सकूं। देखिए इसे भी मैंने जूम कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स मैं कहानी बना रहा हूँ जंगल की, यानी कि मैं एक कार्टून को भी यहाँ ले आता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक कार्टून को ले आया हूँ। देखिए इसे सबसे पहले क्रॉप कर लेता हूँ। ये यहाँ पे मिल जाएगा हमें क्रॉप, और क्रॉपिंग पे क्लिक करके इसे इतना छोटा कर लूंगा मैं। ये देखिए इतना बड़ा करने के बाद फ्रेंड्स इसे मैं क्रॉप कर लूंगा यहां तक, और क्रॉप करने के बाद इसको मैं बड़ा करूंगा। और बड़ा करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसे इतना बड़ा कर लूंगा मैं ताकि ये लड़की अच्छे से दिखे। और यहाँ पे इसे कर देना है क्रोमा की को ऑन। तो यहाँ क्रोमा की मिलेगी फ्रेंड्स, इसको ऑन कर देंगे। क्रोमा की को ऑन किया। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी लड़की यहाँ पे आ गई है और ये देखिए अभी चलना चालू कर देगी, बड़ी तेज से भागी है। अब फ्रेंड्स यहाँ से वापस आएगी। अब फ्रेंड्स मुझे जंगल की कहानी बनानी है तो यहाँ पे आपको जंगल का बैकग्राउंड देना पड़ेगा। तो देखिए ये दूसरा बैकग्राउंड जंगल का नहीं कह सकते इसको, ये वाला बैकग्राउंड आप इसको कह सकते हैं फ्रेंड्स, बगीचे का, गार्डन का बैकग्राउंड। देखिए ये गार्डन का बैकग्राउंड है, आप इसको गार्डन का बैकग्राउंड कह सकते हैं। तो मैं इसे जहां से ये चल रही है पहले वीडियो को यहां से कट कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे ये लड़की आ गई है। अब देखिए मैं आपको बता रहा था आपको बैकग्राउंड कैसा लेना है, तो मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और जो मैंने 2 बैकग्राउंड लिए थे उन दोनों पे इसे अलग अलग लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए एक तो ये यहाँ पे चल रही है, तो हम बना रहे हैं जंगल की वीडियो, ये जंगल की वीडियो है फ्रेंड्स। तो हमें अगर जंगल की वीडियो बनानी है तो बैकग्राउंड वैसा ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला बैकग्राउंड है बगीचे का। तो फ्रेंड्स आप बगीचे का यहाँ पे अगर वीडियो बना रहे हैं और आप इसे कह रहे हैं जंगल का वीडियो,
तो बैकग्राउंड आपको बगीचे का नहीं जंगल का ही लेना पड़ेगा। अब देखिए मैं वीडियो तो बना रहा हूँ जंगल का, लेकिन दिखा ये वाला बैकग्राउंड रहा हूँ, तो ये बैकग्राउंड मेरा बगीचे का गार्डन का हो सकता है, ये जंगल का बैकग्राउंड नहीं हो सकता। तो इसे फ्रेंड्स हम डिलीट कर देंगे और जंगल का जो वीडियो है हम उसी को अपने वीडियो पे एडिट करेंगे। देखिए हमारा वीडियो ये है, इसके बराबर हम इसे कट कर लेंगे, ये लड़की जहां तक थी, और ये देखिए हमारा ये वीडियो तैयार हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अचानक शेर को ले आते हैं इसके सामने। तो यहाँ शेर को लाने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, लेयर पे मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद जहां भी जिस फोल्डर में आपका शेर है आपने डाउनलोड करके रखा है उसको ले आना है। तो देखिए मैं शेर को यहाँ ले आया। अब फ्रेंड्स इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं या फिर लड़की को इधर ले आते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए लड़की को यहाँ पे ले आते हैं और शेर को इसके पीछे पहुंचा देते हैं। अब देखिए शेर को पीछे पहुंचाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे सेंड टू बैक, यहाँ कर देंगे। अब देखिए दोनों को यहाँ चला के देखते हैं, तो ये देखिए शेर हमारा उस साइड भाग रहा है, लेकिन बहुत छोटा है शेर, इसको बड़ा कर लेंगे। इतना बड़ा करने के बाद यहाँ छोड़ देंगे। अब देखिए ये दोनों चल रहे हैं और शेर भाग रहा है। अब फ्रेंड्स देखिए हमने इसे प्ले करके देखा, हमारा वीडियो सही चल रहा है। अब बात आ जाती है यहाँ पे म्यूजिक की, तो म्यूजिक आपको यूट्यूब लाइब्रेरी में काफी सारे मिल जाएंगे फ्रेंड्स, वहां से आप बच्चों वाले म्यूजिक ले सकते हैं। तो मेरे पास साउंड इफेक्ट भी हैं कई सारे, तो मैं यहाँ से साउंड इफेक्ट ले लेता हूँ। देखिए ये है साउंड इफेक्ट और यहाँ से इसे प्ले करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये साउंड इफेक्ट है, तो मैं यहाँ पे इसे प्लस पे क्लिक करके यहाँ साउंड इफेक्ट ले लूंगा और जो भी मुझे यहाँ साउंड अच्छा लगेगा उसे यहाँ पे ले लूंगा। ये देखिए कार्टून वाले साउंड इफेक्ट हैं, अगर आपके पास ये साउंड इफेक्ट नहीं है तो मुझे कमेंट करना, मैं दे दूंगा। यहाँ पे क्लिक करके फ्रेंड्स जो भी आपको साउंड अच्छा लग रहा है उसे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से उड़ा देंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। और अपना देखिए यहाँ पे इतना वीडियो है, अब राइट साइड से भी इसे उड़ा देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे ये हमारा इतना सा म्यूजिक बचा है, यहाँ पे हमें लूप को ऑन करना है और यहाँ डकिंग को भी ऑन करना है और यहाँ है लूप टू एंड, इस पे भी क्लिक करके इसे ऑन कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा म्यूजिक यहाँ पे आ गया है और कितने अच्छे से सेट भी हो गया। ये देखिए पूरे वीडियो में ये म्यूजिक आ गया है। तो ऐसे करके आप म्यूजिक दे देंगे। अब फ्रेंड्स बात आ जाती है इफेक्ट की, तो यहाँ किसी भी इफेक्ट को देने के लिए तो मैं एक बैकग्राउंड और लेके आता हूँ यहाँ पे और बैकग्राउंड यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला गांव का बैकग्राउंड लगा दूंगा और इसे थोड़ा बड़ा कर दूंगा। ये देखिए हमारा म्यूजिक नीचे बड़ा होता जा रहा है क्योंकि हमने एंड टू लूप कर दिया था इसे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट देना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके आप जूम दे सकते हैं, देखिए ऐसा हो जाएगा हमारा वीडियो। ये देखिए ऐसा हो जाएगा, ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हमारा चीता यहाँ पे उड़ रहा है। अब इसकी टाइमिंग यहाँ थोड़ी कम कर देंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्ले करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स और इस वाले को हम बड़ा कर लेते हैं पेन जूम से, इस पेन जूम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे बड़ा कर लेंगे बैकग्राउंड को। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब इसे प्ले करते हैं। अब देखिए ये अचानक से ये दूसरा बैकग्राउंड आया, यहाँ पे हम साउंड इफेक्ट दे सकते हैं। तो साउंड इफेक्ट एक और ले आते हैं, यहाँ पे फोल्डर में जाएंगे और यहाँ साउंड इफेक्ट है यूट्यूब का मेरे पास, ये देखिए, और यहाँ से मैं साउंड इफेक्ट लूंगा थिक, यहाँ पे है थिक वाइट ये वाला, और इसे प्लस पे क्लिक करके अब देखिए इसे प्ले करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स म्यूजिक के साथ हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप अपने वीडियो में करते हैं, ये सारी यहाँ पे गलती मत करना और फ्रेंड्स अच्छे से वीडियो को एडिट करना। तो मैंने इस वीडियो में आपको ग्रीन स्क्रीन हटा के भी दिखा दिया, बैकग्राउंड लगा के भी अलग अलग दिखा दिए और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये चीता था इसको भी फ्रेंड्स मैंने आगे पीछे करके दिखा दिया। देखिए लड़की यहाँ पे आ गई और चीता उस साइड चला गया। तो ये सब सारी बातें आपको अपने वीडियो में याद रखनी है और अपने वीडियो को अच्छे से एडिट करके यूट्यूब पे अपलोड कर देना है। तो वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में।